हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स एट सूरत ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज हम जो क्वेश्चंस आपके कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी में से एक क्वेश्चन लिया है कि दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो मैम प्रेगनेंसी रखने के लिए क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे मेरे पहले के भी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि फेलोपियन ट्यूब जो है उसका फंक्शन क्या है। फेलोपियन ट्यूब जो है उसी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अभी फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरी में से एग आता है, यहाँ से स्पर्म्स आएंगे और एग और स्पर्म जो है वो मिलके जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, यह प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अभी यदि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो पहले तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का रीज़न पता करना बहुत ही आवश्यक है, वेदर कोई इन्फेक्शन है, कोई सर्जिकल ट्रॉमा वगैरह है, किस रीज़न की वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या तो कभी कभी फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, जैसे हमारे एक व्यूवर्स ने क्वेश्चन पूछा था। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक, वह जानना ज़रूरी है। और उसके लिए आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे आपको एडवाइस करेंगे, एक तो HSG होता है जिसमें यह पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है, और उसके बाद दूरबीन की जांच करना आवश्यक होता है टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब। यदि ऐसा होता है कि यह जो फेलोपियन ट्यूब है यह ब्लॉक रिमूव नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पेशेंट को IVF ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यदि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है, जैसे भारत देश में ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है, तो उसके रिलेटेड अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपके डॉक्टर उसकी मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए।